इस वक्त हैं हम रायबरेली के मॉडर्न कोच फैक्ट्री कारखाने में और मेरे साथ हैं रायबरेली लोकसभा के प्रभारी और वरिष्ठ भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर हलवासिया जी। मैं जानूंगा इनसे पीएम के प्रोग्राम के बारे में और वो कौन सी योजनाएं हैं जिसकी घोषणा करके पीएम रायबरेली के लोगों के दिलों में राज करना चाहते हैं। हलवासी सर नमस्कार और ईटीवी में स्वागत है। जरा बताइए उन घोषणाओं के बारे में जो हिडन करके रखा गया है काफी। सर्वप्रथम तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि ये रायबरेली वासियों का सौभाग्य है कि लगभग 40 वर्ष बाद भारत का प्रधानमंत्री इस जनपद में आ रहा है। जनपदवासियों ने हमेशा कांग्रेस का यहां से सांसद जिता के भेजा लेकिन कांग्रेस ने जिले की अनदेखी की। हमारी पार्टी हमारे नेता सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। इस आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री की भी अनदेखी हुई और यहां पे ना कोई आधुनिकीकरण हुआ और ना कोई एक्सपेंशन हुआ। आज जब प्रधानमंत्री जी की यहां निगाह पड़ी है तो हमारे मॉडर्न कोच यहां बन रहे हैं और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आगे यहां बुलेट ट्रेन के भी कोच बनेंगे। जनपद में तमाम विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज किया जा रहा है और ऐसा नहीं है कि ये आज ही किया जा रहा है, ये काम निरंतर जनपद में और पूरे प्रदेश में चल रहा है। कल मेरे से जो सोनिया जी के प्रतिनिधि हैं केएल शर्मा जी, उन्होंने एक वो दिया है कि ये प्रेशर कर बिल्ट अप करके ये कराना चाहते हैं और हो सकता है कि इसमें सेफ्टी फीचर के साथ भी कुछ खिलवाड़ किया जाए, इस पे क्या कहेंगे आप? लगातार ऐसे स्टेटमेंट कांग्रेस के आ रहे हैं, जैसा कि कुछ दिन पहले आपने देखा कि राफेल में भ्रष्टाचार के आरोप अनर्गल लगाए गए माननीय राहुल गांधी जी द्वारा, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि पूरी प्रक्रिया फॉलो की गई है और किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। विकास के राह में ये झूठे आरोप रोड़ा बनने का काम करते हैं। मेरी कांग्रेस से निवेदन है कि राजनीति करें लेकिन विकास में रोड़ा न बने। पीएम के साथ और कौन कौन बड़े नेता आ रहे हैं, कौन कौन मिनिस्टर्स आ रहे हैं जो उनको दिल्ली से अकंपनी कर रहे हैं उनके साथ? देखिए मुख्यतः चूंकि ये कार्यक्रम आज ऑफिशियल प्रोग्राम रेल कोच फैक्ट्री का है तो मैं समझता हूं कि माननीय पीयूष गोयल जी हमारे सम्मानित रेल मंत्री साथ में आएंगे और यहां पे जो है अगुवाई माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय करेंगे। रैली में कितने लोगों की भीड़ की जमावड़े का इंतजाम किए गए हैं, कितने लोगों की संख्या आप लोग बटोर लाए हैं सोनिया के गढ़ में? चूंकि ये ऑफिशियल प्रोग्राम है तो इसको रैली की संज्ञा देना उचित नहीं होगा लेकिन लेकिन निश्चय ही जब माननीय मोदी जी आएंगे और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं जब लोगों से रूबरू होंगे तो मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में भारी संख्या में जनपदवासी यहां पे पहुंचेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुधीर हलवासिया जी जिन्होंने बताया कि रायबरेली के विकास के लिए पूरी तरह भाजपा सरकार तत्पर है और रैली और जनसभा में लाखों लोग मोदी जी के साथ मोदी जी का दीदार करने के लिए व्याकुल हैं। ईटीवी भारत के लिए रायबरेली के मॉडर्न कोच फैक्ट्री से प्रणव कुमार।